अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों सेल्स में आखिर कौन सा डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे प्लांट सेल की। अगर आप गौर फरमाएँ तो प्लांट सेल में सबसे पहले एक को कहते हैं सेल वॉल और दूसरी को सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि एनिमल सेल में देखें कि आपको एक ही सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगी जो सेल के बाहर हैं, ठीक है। नंबर दूसरा फ़र्क जो है, इंतहाई इंटरेस्टिंग जो फ़र्क है वो है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है वो प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं होता। अगर क्लोरोफिल के काम की बात करें तो क्लोरोफिल जो है वो सूरज से जो है रोशनी लेता है और अपना जो है वो फूड अपने आप तैयार करता है, यानी फ़कत जो सूरज की रोशनी है वही उसकी जो है ग़िज़ा होती है, ठीक है। वैसा कि एनिमल सेल में ये बिल्कुल मौजूद नहीं होता। नंबर थ्री, वैक्यूल यानि खाल। ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल में एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है, और ये जो एनिमल सेल होता है इसमें बहुत से वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसा आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद हैं। नंबर चौथा फ़र्क जो होता है वो होता है न्यूक्लियस का, ठीक है, जिसे हम मरकज़ कहते हैं। न्यूक्लियस जो है वो आप अगर गौर फरमाएँ तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल साइड में आपको नज़र आएगा, और अगर एनिमल सेल में न्यूक्लियस देखें तो बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर में नज़र आएगा। तो ये नंबर चौथा फ़र्क जो है वो न्यूक्लियस का है। तो जैसा कि ये जो मेजर डिफरेंसेस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में वो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर भी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।